Pariva, court ki notice BRS bank tak pahunch bhi gayi. Very good. Ab ye receipt main sabhi depositor tak pahuncha deta hu. Sabse pehle us punter Harshad Agarwal ko mail karta hu. Use bhi pata chale ki honorable secretary advocate Dakshesh Joshipura ki pahunch kitni badi hai. Hello, honorable secretary advocate Dakshesh Joshipura speaking. Hey, advocate Dakshesh Joshipure, kaan khol ke sun le. Hello, kaun 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 bol raha hai? Aur jo bhi tum bol rahe ho, mere kaan khule hi hain. Tum mujhe sunana kya chahte ho? Tere wakalat ke din ab khatm ho gaye. Tere paas jitne bhi cases hai, sab chhod de, nahi to bahut mehanga padega. Oh, Mr. Unknown, tum bhi kaan khol ke sun lo. ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ना तो किसी की धमकी से डरा है और ना ही डरेगा, समझे तुम? फोन कट। हेलो। हेलो आशा। हाँ बोलते कि तुम दक्षेश जोशीपुरा को अपना वकील मत बनाना, नहीं तो बैंक का केस हार जाओगी। क्या? लेकिन हमने तो जोशीपुरा साहब को हमारा वकील बना दिया है। तुम जोशीपुरा को अपना वकील बनाकर पछताओगे। उसे आज के आज ही अपने वकालतनामे से हटा दो। लेकिन दक्षेश भैया को इस केस से हटाने का बोलने वाले आप होते कौन हैं? मैं आपका शुभचिंतक हूँ। आप जानती नहीं इस केस के पीछे जोशीपुरा की साजिश है। साजिश? कौन सी साजिश? अंदर की खबर है कि एडवोकेट जोशीपुरा बैंक के साथ सेटिंग करके सिर्फ अपने फिक्स डिपोजिट के पैसे निकलवा लेगा और बाकी सब लोगों के डिपॉजिट्स लटका देगा। गुड, आप सब लोग मुझे ऐसे शक भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं? देखो भाई, सच सच बताइए, ये बैंक के केस के साथ आप क्या साजिश खेल रहे हो? साजिश? व्हाट साजिश? अरे मैं तो केस जीतने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने बैंक के खिलाफ पिटीशन भी फाइल कर दी है और जिसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी आप सबको भिजवा भी दी है। आपको क्या लगा हमको कुछ मालूम नहीं है? हम सबको मालूम पड़ा है। आपने अपने बैंक वाले से यस फॉर सेटिंग करके अपनी फिक्स डिपॉजिट निकाल लिए और हम सब गरीब लोगों के डिफॉल्ट डिपॉजिट फंसा दिए। हाँ साहब, आपने हम गरीबों के साथ धोखा किया है। ए, तिवारी, आशा, मैं बोल देता हूँ कि नक्कू भाई, आशा और तिवारी सही कह रहे हैं। भाभी, आप भी देखिए दक्कू भाई, हम सबको एक अननोन नंबर से कॉल आया है और उस आदमी ने हमसे ये कहा कि आपका जो वकील है वो बैंक वालों के साथ मिल गया है। नो 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 नो, मैं पूछ दियो वरना भाभी, मैं आपके सर की कसम खाता हूँ कि मैंने बैंक वालों से कोई भी अंडर टेबल सेटिंग नहीं की है। अगर परम पूछ दियो वरना भाभी कहेंगी तो मैं किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार हूँ। वेरी गुड, अब भी कभी गैस पे बिठाओ इसको। लाइटर निकाल, लाइटर निकाल, जल्दी फटाफट फटाफट गैस पे बिठाओ इसको। रुकिए रुकिए, हाथी हवा में उड़ सकता है, सूरज रात को चमक सकता है, पर दकू दकू वंदना बहन की झूठी कसम नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। हाँ भाई, नहीं खाएंगे भाई, रुकिए। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि दक्कू भाई वंदु की झूठी कसम नहीं खा सकते। लेकिन राजेश भैया, फिर उस इंसान ने हमें फोन करके दक्षेश भैया के खिलाफ भड़काया क्यों? हाँ बराबर है, और मारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस आदमी के पास ये आशा, तिवारी, ज्योति, वन्ना अभी का नंबर आया कहाँ से? अरे बैंक डिपॉजिटर्स का सारा डेटा अगर उसके पास है तो ये नंबर्स हासिल करना कितना मुश्किल है उसके लिए। बिल्कुल सही कहा, परम पूज्य वन्ना भाभी, बिल्कुल सही कहा, आपके पति ने बिल्कुल सही कहा।
थैंक यू। आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे शक है कि हमारी केस की इमीडिएट हियरिंग की वजह से बैंक वाले डर गए हो। हो ना हो, ये बैंक के ट्रस्टी उस शर्मा की ही साजिश है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।